की जो ट्रेनिंग में आते हैं ऑफलाइन की ट्रेनिंग में, तो उनसे मैं अधिकांश पूछता हूं, जो नए हैं वो तो फेल हो ही जाते हैं, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो इसके बारे में जो बोलता हूं तो 100 में लगभग 5% ही इसको सही बोल पाते हैं। मैं ये क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी देख रहे होंगे या देखेंगे कि ये जो डायड है, डायड पर लिखा हुआ रहता है एनोड और कैथोड, सही बोला, एनोड और कैथोड, लेकिन इसकी एक पिन और दो पिन सही से दिखाई दे रहा है तुम सबको डायड? अच्छा, ये एक और दो पिन जो है, ये एक और दो पिन का क्या नाम से जाना जाता है एनोड और कैथोड छोड़कर? ये अक्सर बहुत सारे क्या बोल देते हैं, इसको प्लस बोलते हैं, करेक्ट, और इसको माइनस बोलते हैं, लेकिन गलत, ये हमेशा प्लस होता है और ये हमेशा माइनस होता है, और ये हमारा इन होता है और ये हमारा आउट होता है। आज तक हो सकता है तुम लोग भी इसको ही प्लस समझते होगे, लेकिन प्लस ये होता है, करेक्ट। और माइनस ये होता है, इन और ये आउट, ये बशर्ते ये कहां पर लगी हुई रहती है, एसी में लगी रहने से ये फॉरवर्डिंग का काम करता है, यानी डीसी आउटपुट देता है, और वही डीसी हमारी एक मेन फिल्टर से जुड़ी रहती है प्लस से, तो हम लोग उसको प्लस समझ लेते हैं। ठीक इसी तरह से इसको याद रखने से, इसको समझने से हम लोग क्या करेंगे, एलईडी जो लाइट स्ट्रिप बनी हुई रहती है वो हमको रिपेयरिंग करने में और उसकी कनेक्शन करने में हमको इजी मालूमात होगी। ये अगर गलत हम जानेंगे तो हमको गलत मालूमात होगी, बहुत सारे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे के मन में यही सवाल उठता है कि छोटी मोटी चीज है लेकिन ये हमेशा माइनस और ये हमेशा प्लस जानते हैं, तुम लोग में भी बहुत सारे जानते होंगे। ये आज का हमारा डेमो क्लास था, यानी डेमो मतलब सेटिंग कैसे होता है, उसके लिए कल से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और ये क्लास क्या क्या चलेगी पहले तुम लोग को क्लियर कर दे, ये क्लास हमारा ठीक ऑफलाइन के ही तर्ज पर ये क्लास होगी, यानी हमारा पावर सप्लाई से स्टार्ट होगा, मदरबोर्ड, ड्राइवर, ऑल टोटल टिप्स ट्रिक, सोनी की पैनल, ईएमएमसी और रीड एंड राइट, और पैनल में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, कहां से होगा और कौन सा पैनल नहीं बनेगा और कौन सा पैनल बनेगा, हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ये दो लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल से जब हम लोग जुड़ेंगे तो हमारी पासवर्ड हमेशा हर दिन चेंज होती रहेगी, कल का पासवर्ड आप लोग के व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा, करेक्ट। कोई बोलो, और कोई प्रॉब्लम है, और किसी को कुछ समझना है? हाँ, लैपटॉप से भी हो जाएगा, लेकिन लैपटॉप से तुम्हारी टावर अच्छी होनी चाहिए, हाँ तब जुड़ सकते हो लैपटॉप से। यही फंक्शन है, यही, उसमें भी आपको ऐप लोड करना होगा, कोई साइन अप नहीं करना होगा, ये ऐप
कोई साइनिंग कोई साइन अप नहीं करना होगा। इस ऐप में सिर्फ आपको ज्वाइन करना होगा। अब मान के चलो तुम्हारे में से प्रश्न हो रहा है कि सर आप प्रोग्रामर जो बोल दिए हैं, प्रोग्रामर कैसे सिखाइएगा, सॉफ्टवेयर कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी देख लो एक तरीका। सबका फोन चालू होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना स्क्रीन हर कोई को शेयर करेंगे हमारा लैपटॉप में। और हमारा स्क्रीन हर कोई को मिल रहा है क्या, लैपटॉप की मिल रही है? ठीक, अब यहाँ पर हम चले जाएंगे हमारी RT809H। अब एच करेंगे और एच ऑन करने के बाद इसको कहाँ कहाँ से कैसे हमको जाना है और EMMC हमको कैसे रीड एंड राइट करना है, ये हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे। हमारा लैपटॉप तुम्हारे स्क्रीन पे चला गया। अब उसको तुम जूम करके भी बहुत बड़ा कर सकते हो। जिसको समझ में नहीं आएगा नोटबुक और पेन रखेगा। आ गया तुम्हारा स्क्रीन, आ गया हमारा प्रोग्रामर का स्क्रीन आ गया। अब यहीं से मैं बताऊंगा कि तुमको कहां पर जाना है, क्या फंक्शन करना है, कैसे रीड होगा, बफर कैसे चेक होगा और CMD D0 CLK बूट 1 बूट 2 यूजर फाइल कैसे क्या किया जाएगा। समझ में आया? आप क्या क्या बोल रहे हो? तुम अपना फंक्शन है तुम्हारा, वहां पर तुम रिकॉर्डिंग करोगे, तुम्हारा मैटर है। क्योंकि तुम्हारा मोबाइल में उतना GB का फाइल, उतना GB का स्टोर होना चाहिए, ठीक ना? ये तुम्हारा मैटर है कि तुम इसको कैसे करोगे, लिखोगे या रिकॉर्डिंग करोगे। तो बहुत सारे लोग का था कि प्रोग्रामर सर कैसे बताइएगा, तो देखो यहीं से मैं फंक्शन करूंगा। आप सोच लो तुम लोग अपना मोबाइल पे ही ऐसे यूज कर रहे हो, बहुत इजी है ना। इसके बाद कुछ कुछ बोलो, एक एक बोलो। और जो सॉफ्टवेयर है, देखो सॉफ्टवेयर तो सारा दुनिया में बहुत सारी है, ठीक है। तुम्हारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि जैसे कि हमारा रिक्वायर हमारे पास है ABC और तुम्हारा रिक्वायरमेंट है CDE, तो वो हमारे पास नहीं है। तो वो सॉफ्टवेयर CDE कहाँ से ले सकते हो, किस तरह से ले सकते हो, वो तरीका हम बता देंगे। समझ में आया? मेरे पास ABC है और तुमको रिक्वायरमेंट है CDE, तो CDE तो मेरे पास है नहीं, तो मैं दूंगा कैसे? मेरे पास जो है वो दे दूंगा, क्योंकि शेयर करने में कोई कमेंगी नहीं। हर दिन हर रोज एक एक फर्मवेयर एक एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो वो जो फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर जो बन रहा है उतना प्रोवाइड करना किसी की बस में नहीं है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी, ठीक ना? ओके बाय कल के लिए, ठीक।